हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। क्या आपके अंदर परमेश्वर के गुण हैं? जैसा कि पहला पत्रस अध्याय 2 उसके 9 आयत में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। मेरे प्रियो, इस ऊपर दिए हुए वचन में हम देखते हैं तो लिखा है कि आप परमेश्वर के चुने हुए याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि तुम मेरे गुण प्रकट करो। एक मसीही की ये सबसे पहली बुलाहट है। तो क्या आपके अंदर परमेश्वर के गुण हैं और क्या आप उनको प्रकट कर रहे हैं? बाइबल में जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया और उसको मिस्र देश में बेच दिया, पर फिर भी यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। उसने परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया जब पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ को अपने साथ गलत काम करने के लिए बोला तो उसने उसके साथ गलत काम नहीं किया। उस समय भी यूसुफ ने परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया। फिर उसी देश में जिसमें उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था, परमेश्वर ने उसको वहां का प्रधानमंत्री बनाया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हैं तो फिर आप ऊंचे किए जाते हैं। फिर जो आपका विरोधी आपको मारने की, आपको गरीब करने की, आपके नाम को खराब करने की कोशिश कर रहा होता है, वही विरोधी आपको आगे बढ़ाता और आपके नाम को ऊंचा करता है। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग मसीह होने के बावजूद भी अपनी इस सबसे पहले बुलाहट को भूल जाते हैं। वह चर्च तो जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पर परमेश्वर का एक भी गुण प्रकट नहीं करते। वह भी दूसरे लोगों के जैसे झूठ बोलते हैं और गलत काम करते हैं, इसलिए वह अपनी जिंदगी में आशीष को नहीं ले पाते और दूसरे लोगों के सामने वह एक गलत उदाहरण बनते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आप अपनी पहले बुलाहट को ही पूरा नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, जब आप ये फैसला ले लेते हैं कि हालात चाहे कैसे भी हो, मैं दूसरे लोगों के जैसे नहीं करूंगा, मैं वैसे ही रहूंगा जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं अपने अंदर से सिर्फ परमेश्वर के गुणों को ही प्रकट करूंगा, तो फिर आप यूसुफ की तरह ऊंचे किए जाते हैं। फिर जो आपके विरोधी आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं, वह आपके चेहरे पर दोगुना हंसी को देखते हैं। जैसे यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को 20 सिक्कों में बेचा और जिस देश में वह बेचा गया उसी देश का परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया, वैसे ही जब आप भी परमेश्वर के गुणों को प्रकट करेंगे तो आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर यूसुफ के जैसे काम करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर के गुणों को समझें। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके अनुसार चलें। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप उसके साथ बुरा ना करें, क्योंकि बाइबल बताती है कि बुराई के बदले बुराई ना करो। फिर जब आप वैसा ही करते हैं जैसा परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हैं तो आप आशीषित होते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी आप अच्छी उदाहरण बनते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं उनका प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का जीवन और बढ़े, इनके जीवनों से परमेश्वर आपके गुण प्रकट हों और यूसुफ की तरह ऊंचे और आशीषित किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।